हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्श और आप देख रहे हैं ड्रग इन्फो इंडिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज की वीडियो में मेरे पास है क्लोबिटामिल जी क्रीम। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ये किस काम में आती है और क्या क्या इसके मिसयूज़ करते हैं लोग, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लोबिटामिल जी क्रीम को बहुत सारे लोग फेयरनेस क्रीम की तरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको पिंपल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ना तो ये कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही ये कोई एंटी पिंपल क्रीम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बताता हूँ इसमें दवाई क्या है। इसमें है क्लोबेटासोल और जेंटामाइसिन। इसमें जो क्लोबेटासोल है वो एक स्टेरॉयड है और जेंटामाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। क्लोबेटासोल का काम होता है स्किन में सर्टेन केमिकल्स को ब्लॉक करके स्किन को सूजन से बचाना, स्किन को रेड होने से बचाना, और जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इसका काम है स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए क्लोबिटामिल जी एक एंटीबैक्टीरियल स्किन क्रीम है। ये स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं बताता हूँ क्लोबिटामिल जी आपको कब यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर रैसेस हो गए हैं तो आप क्लोबिटामिल जी यूज़ कर सकते हैं, ये उसमें काफ़ी आराम देती है। अगर आपकी स्किन कहीं से रेड हो गई है या स्किन का कलर कहीं कहीं से हल्का सा वाइट हो जाता है तो उसमें भी ये क्लोबिटामिल जी बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग ज़्यादा पानी का काम करते हैं उनके यहाँ पर हाथों में वाइट वाइट सा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी क्लोबिटामिल जी क्रीम काफ़ी अच्छा काम करती है। कहीं पर स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या एक डैंड्रफ टाइप की एक लेयर बन गई है, उस पर भी क्लोबिटामिल जी क्रीम लगाने से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाती है। तो ये क्लोबिटामिल जी के काम है असली, जिनके लिए क्रीम बनी है। लेकिन मैं शुरू में ही बताया मैंने कि इसको फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें स्टेरॉयड है क्लोबिटासोल, तो स्किन पर इसको लगाने से स्किन पर एक ग्लो आ जाता है जिसके लिए बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं इस क्रीम को लगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपका जो भी अफेक्टेड एरिया है, आपको जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उसको आप अच्छे से वॉश करें और उसको सूख जाने दें। उसके बाद आप एक पतली लेयर क्लोबिटामिल जी क्रीम की लगाएं और उसको छोड़ दें। 2 या 3 घंटे बाद आप उसको फिर से वॉश कर लें। इस तरह ये क्रीम लगाई जाती है। लास्ट में मैं आपको इसका कीमत बता देता हूँ। ये बहुत सस्ती क्रीम होती है, इसकी MRP है 25 रुपये। ये क्रीम आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। और ध्यान रहे, जब भी आप इस क्रीम को यूज़ करें, एक तो कटी और फटी हुई स्किन पर यूज़ ना करें और दूसरा ये क्रीम आंखों में नहीं लगनी चाहिए। तो ये थी क्लोबिटामिल जी क्रीम की सही और पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।